सो हे गाइस, मेरा नाम है शक्ति और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपने घर में चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है ओकिनावा की तरफ से आने वाली उनकी फ्लैगशिप स्कूटर ओकिनावा आई प्रेस। इस स्कूटर में आपको लिथियम आयन बैटरीज मिलते हैं एंड आप इस स्कूटर को दो वेज में चार्ज कर सकते हैं। पहला तो आपको कन्वेंशनल चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि आपको यहाँ मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। आप अपनी वॉल माउंट चार्जर को इसमें प्लग इन कर सकते हैं एंड आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड दूसरा, इसमें लिथियम आयन बैटरी भी आता है तो आप लिथियम आयन बैटरी को निकाल के उसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे लिथियम आयन बैटरी को निकाल के अपने घर में उसे चार्ज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट मोटरिंग। तो सबसे पहले आपको अपनी बूट खोलनी है एंड आपको अपनी MCB को ऑफ करना है। ऐसे मैंने आप यहाँ पे बूट खोल दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको MCB मिलता है, इसे आपको ऑफ करना है। ऊपर ऑन होता है और नीचे ऑफ होता है, इसे मैंने ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, पहले आपको इसे यहाँ से हटाना है। ये इसका दो लिथियम आयन बैटरीज है, एक बैटरी 11 किलो की आती है तो ये टोटल 22 किलो से है। सो आपको दोनों हाथ से इसे उठाना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लग यहाँ पे जॉइंट है, इसे आपको हटाना है यहाँ से, ये हट चुका है एंड आप इस बैटरी को उठा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका हैंडल दिया हुआ है, काफ़ी भारी है ये, आपको अच्छे से उठाना है इसे। एंड ये रहा इसका ओकिनावा आई प्रेस का डिटेचेबल बैटरी। मैंने इस बैटरी को निकाल दिया, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ वापस एंड इस बैटरी को मैं कहीं भी चार्ज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे चार्जिंग पॉइंट की तरफ लेके जाने वाला हूँ एंड फिर इसे मैं चार्ज करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस बैटरी को इसके चार्जिंग पॉइंट पर लेके आ चुका हूँ। मैं पहले आपको इसका चार्जर दिखा देता हूँ। ये चार्जर आपको स्कूटर खरीदते वक्त मिलेगा, ये एक 16 एम्पियर 250 वोल्ट का चार्जर है। आप इसे नॉर्मल प्लग में चार्ज नहीं कर सकते, आपको एक 16 एम्पियर 250 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट एटलीस्ट मिनिमम चाहिए। एंड आप देख लीजिए ये इसका चार्जिंग पॉइंट, मैं इसे नीचे रखता हूँ, मैंने प्लग को प्लग इन कर दिया इसमें। एंड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ये लगाना कैसे है। ये लग गया ना, ये देख लीजिए पहले ये खुला हुआ है, आप देख लीजिए ये बैटरी के पॉइंट को एंड चार्जर के पॉइंट को आपको इसे कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, आपको इसे आधा पे नहीं छोड़ना है, पूरा कनेक्ट करना है। एंड नाउ वी आर गुड टू गो, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैटरी का स्टेटस एंड ये चार्ज हो रहा है वो आपको यहाँ से पता चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको चार्जिंग स्टेटस यहाँ पर पता चल रहा है। फिलहाल इसमें 2 पॉइंट्स बैटरी है एंड इसे फुल चार्ज होने में मिनिमम 1.5 घंटा लगता है। तो जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा कि अपने घर में कोई भी लिथियम आयन पावर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर या गाड़ी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको ओकिनावा आई प्रेस का फुल रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि बहुत जल्द मैं उसका फुल रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमेटिक ऐसी वीडियो रोज अपने चैनल पर बता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन सेफ ड्राइव लॉन्ग लाइफ।